आज का जो मुख्य बिंदु है, एक तो लगातार इसकी समीक्षा माननीय मुख्यमंत्री द्वारा की जा रही है और कल एक काफ़ी लंबी समीक्षात्मक बैठक की गई सभी ऐसे विभागों के साथ जिनके द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन का कार्य किया जा सकता है। तो जो भी गाइडलाइंस हैं और जो भी कार्य अलाउड हैं उनके अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए थे। उनमें मुख्य रूप से जो गेहूं का प्रोक्योरमेंट है उसके लिए पैक्स के माध्यम से प्रोक्योरमेंट को करने का निर्णय लिया गया है। पिछले वर्ष तक गेहूं का प्रोक्योरमेंट व्यापार मंडल के माध्यम से होता था और प्रखंड में एक ही केंद्र होता था, तो इस बार ये पंचायत स्तर पर पैक्सों के माध्यम से किया जाएगा। इससे किसानों को काफ़ी लाभ होगा और उनको पंचायत में ही अपनी उपज का मूल्य समुचित मिल पाएगा। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, चाहे वो नल का जल का निश्चय हो, हर घर तक पक्की गली नालियां हों, कुछ फ्लड प्रोटेक्शन वर्क, क्योंकि अब इसके बाद जब बरसात का समय भी आने वाला है तो उसके लिए जहाँ जहाँ पर फ्लड प्रोटेक्शन का काम होना है उन कामों को भी चालू कराया जाएगा। और इन सभी कार्यों में ये निर्देश दिया गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग के जो भी नॉर्म्स हैं उनका पूरा अनुपालन किया जाएगा और योजनाओं की जो कंटिंजेंसी होती है, जो आकस्मिकता निधि होती है हर योजना में, उससे फ्री ऑफ कास्ट मास्क और ये सब उपाय, ये जो भी उसमें काम करने वाले श्रमिक होंगे उनको उपलब्ध कराए जाएंगे। जो केसेस हैं अभी तक कोरोना संक्रमण की, जो वर्तमान स्थिति है, टोटल 74 पॉजिटिव